so hello everyone welcome back again and as you all are waiting eagerly for nabad's notification i know uh, it has not come up yet but i think we are expecting nabard's notification uh, in the august of uh, the month of august so we can expect the exam definitely it would be in september but no worries i think everybody has uh, started their preparation for nabard grade a 2023 and when everybody is Thinking about the preparation, their strategy, there is one important question which is affecting many of the students. Or what is when we look at the syllabus of phase one exam for NABAD grade A? Okay, I can just pick out the subjects eight important subjects in phase one of NABAD grade A 2023 those are decision making, uh, quantitative aptitude, reasoning, English, computer awareness. Now, these five subjects are क्वालिफाइंग सब्जेक्ट एंड वी ऑल नो दिस हम सबको ये सब्जेक्ट्स पता है बचपन में हमारे प्राइमरी स्कूलिंग में हम कभी ना कभी इन सब्जेक्ट्स के कॉन्टैक्ट में है वी आर इंट्रोड्यूस टू दिसम राइट सिमिलरलीरिट सेक्शन इफ बी सी जी ए जिसको जनरली हम जी के भी कहते हैं राइट देन इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन सोसाइटी राइट दीज आर ऑल्सो इंट्रोड्यूस टू अवर प्राइमरी हमारे प्राइमरी स्कूल में सेवेंथ एट नाइन्थ टेंथ कभी ना कभी ये

who knows nothing about agriculture and who also is scared about this subject then let's today discuss about how non agri background student can prepare for nabad okay this is very very important to let you know that how even if you don't know even a to z of agriculture it won't affect your preparation for ard at the same time you won't have any insecurity such like if we don't have एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड वी कै नॉट क्लियर दिस एक्जाम सिमिलली अदर इनसिक्यूरिटी अगर दूसरे का एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है दैट मीन दो ग्रेजुएशन दे हैव अपर हैंड इन नाबार्ड ग्रेड एग्जाम ऑल दीज आर मिथ्स एंड टूडे इन धिस वीडियो वी आर गोइंग टू डी मिस्टिफाई दीज मिथ्स सो फर्स्ट थिंग इज टू मेक योर एटीट्यूड राइट ओके तो नाबार्ड ग्रेड ए के एग्जाम को जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं ना तो कुछ स्टूडेंट्स का सम स्टूडेंट्स आर रियली हैविंग हार्ड एटीट्यूड एंड व्हाट इज दिस टू जस्ट जज नाबार्ड एग्जाम ऑन वन सब्जेक्ट दैट इज एआरडी ट्राई टू अंडरस्टैंड नाबार्ड ग्रेड ए एज एन होल हैज गेव यू अ होल सिलेबस आउट देयर एंड अलोंग विथ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट देर आर अदर सब्जेक्ट्स टू बट स्टिल वी ऑलवेज कंसिडर वन सब्जेक्ट अंडर द गैलोटीन ओके okay, हम बस एक सब्जेक्ट को कसूरवार ठहराते हैं और हम बस ये कहते हैं कि इसी सब्जेक्ट की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है right, to understand that we cannot judge कि सर एग्री बैकग्राउंड नहीं है एग्रीकल्चर वीक है नाबार्ड नहीं होगा सर प्रिपेयर कैसे करूं एग्रीकल्चर की कभी नॉलेज ही नहीं है एंड दे थिंक कि यार वो तो भाई नाबार्ड एग्जाम में डूब रहे हैं और उनका प्रिपरेशन हो ही नहीं सकता बट एट द सेम टाइम इफ यू सी द रियलिटी ऑफ द नाबार्ड एग्जाम There are only two important facets. There are other subjects also. ESI, GA, English. Okay. So, all these subjects are again important from merit point of view in phase 1. And also in phase 2 where your actual marks are considered. And then you get a chance in interview round. And which later gives you total marks from which your name, if it is there in final list, a Similarly, just clearing the cut-off matters.

किसी भी समंदर की गहराई हम उसकी लहरों से नाप नहीं सकते अगर समंदर गहरा है यू हैव टू गेट इन इन टू दैट सी एंड स्विम इन साइड सी टू अंडरस्टैंड हाउ डीप दैट सी एक्चुअली इज ऑन द सिमिलर डू नॉट जज नाबार्ड एग्जाम जस्ट ऑन वन सब्जेक्ट इट इज जस्ट अब्जेक्ट ए आर डी इज जस्ट अ सब्जेक्ट लाइक अदर सब्जेक्ट एंड टू क्लियर ए आर डी यू जस्ट वन सब्जेक्ट आउट ऑफ द अदर सब्जेक्ट ओके सो प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम दिस एस्केपिंग मेंटेलिटी बहुत सारे स्टूडेंट का एस्केपिंग मेंटेलिटी ये रहता है कि सर हमारा नाबार्ड इसलिए क्लियर नहीं हो रहा है इस एआरडी सब्जेक्ट की वजह से सो इट डजेंट रियली मैटर दैट यूर बैकग्राउंड इज एग्रीकल्चरल और इवन योर एग्रिकल योअर बैकग्राउंड वुड बी यू आर मे बी एन इंजीनियर मे बी योर बैकग्राउंड इज साइंस मे बी यूर फ्रॉम आर्ट्स और मे बी यू आर एम कॉमर्स ग्रेजुएट इट डजेंट रियली मैटर इट्स जस्ट अ सब्जेक्ट विच रिक्वायर्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल एज रूरल एंड डेवलपमेंट ओके देन द नेक्स्ट थिंग इज डिस्मेंटलिंग एआरडी एज एन सब्जेक्ट वेन आई टेक द सिलेबस ऑफ नाबार्ड फॉर फेज वन अल्सो एंड फॉर फेज टू अल्सो एंड आई वेन आई लुक एट ए आर डीज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज वॉट आई गेट फेज वन में फोर्टी क्वेश्चन पूछे गए हैं फेज वन में एआरडी से इच क्वेश्चन इज फॉर वन मार्क्स फोर्टी मार्क्स फ्रॉम टोटल थर्टी एमसीन आर फॉर एस आई फिफ्टी एंड ए आर डी सो इफ यू सी ओवरऑल ए आर डी के मार्क्स जो है आउट ऑफ हंड्रेड मार्क्स फिफ्टी मार्क्स टू सिक्स आर एलोकेटेड टू ए आर डी ओके सो वेन यू लुक एट दर्क डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन अंडरस्टैंड फेज वन का ये रहा सिलेबस फेज टू का ये सिलेबस रहा आउट ऑफ ऑल द मेजर सब्जेक्ट्स मेरिट सब्जेक्ट एंड ऑफकोर्स एआरडी पार्ट ऑफ इट ओके नाबार्ड ये नहीं कह रहा है कि आपको भाई एआरडी में अगर आपने बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं लिए तो हम आपका सिलेक्शन नहीं करेंगे ये नाबार्ड बोल ही नहीं रहा है ओके ओकेल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर प्रिपरेशन प्रिपेरेशन हैज टू बी गिवन टाइम एलोकेशन हैज टू बी गिवन एज वेल एज मार्क्स ऑल्सो यू शुड गिव गेट प्रपोर्शन सो वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इफ यू सी द मार्क एलोकेशन फेज वन में 40 मार्क्स 40 मार्क्स में से 40 आपको लेने के लिए कोई नहीं बोल रहा है राइट यू जस्ट हैली फेज टू क्वेश्चन जब हम बात करते हैं ए आर डी की तब फिफ्टी एमसी क्यूज एंड फोर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन विच आर देयर Here, also, if you see again, you have to only get 60 to 70 marks. Okay, so that is why I think any graduate, you may be an any graduate, you can definitely fill the shoes of this particular subject. ESI English descriptive GA are also important subjects along with AID. Okay, so bus AID ka tension lete rehna, that's not a solution, that's just escaping from the exam. Second is balancing agriculture and rural development. विथ अदर सब्जेक्ट्स इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर यू आर अ स्टूडेंट जिसका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर का है भी नहीं एंड यू फाइंड वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप विद सब्जेक्ट आपको एआरडी पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है ऐसे कंसिडर करते तो आप ये भी कर सकते हो दैट यू कैन जस्ट क्लियर द कट ऑफ ऑफ एआरडी एंड यू कैन बैलेंस द मार्क्स ऑफ एआरडी अलोंग विथ अदर सब्जेक्ट हाउ सिंपल अगर फेज वन की बात करें तो जनरल अवेयरनेस और ई एस आई है

almost 15 16 or more than 15 months. definitely the overall merit cutoff which was 40 to 41 you will clear it right so this also can be a strategy that balancing agriculture and rural development with other subjects okay we understood what is the share of ard in the syllabus of nabat now let us see that how to strategize ard if you are weak in ard if you are not from the ard background then also

Okay, now let's talk about breaking down the ARD syllabus. Now this no one has done. Okay on any platform. This is what we are going to do. If you get into NABARD syllabus in depth, you will understand that agriculture and rural development has been divided into 20 to 22 chapters. So almost 22 chapters are there. Okay. Now if you see this syllabus from macro as well as micro point, point of view, I have divided

बेसिक चैप्टर्स में देखो क्या क्या है ऑल दो चैप्टर्स विच यू हैव इन योर योर स्कूल एंड मे बी थ्रू इवन आपने बचपन में आपके प्राइमरी स्कूल में सेवेंथ एट नाइन टेंथ तक ओके okay? ये सारे सब्जेक्ट कभी ना कभी इन फॉर्म ऑफ थियरी इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन कभी कैसे ना किसी ना किसी, किसी फॉर्म में आपने किसी ना किसी सब्जेक्ट इट में भी जोग्राफी में भी एनवायरमेंट ओके okay, आपने ये क्वेश्चंस पढ़े हैं इकोनॉमी इट में भी इकोनॉमी ओके तो यहां पर आपने ये चैप्टर्स पढ़े हैं सो लेट अस डिस्कस बेसिक चैप्टर्स चैप्टरेंशियली इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर है क्या ओके क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप फैक्टर्स अफेक्टिंग फील्ड क्रॉप एग्रीकल्चर एक्टिविटी कैसी है फार्मिंग क्या होती है कौन से क्रॉप्स लगाए जाते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वेस्ट कौन से कौन से अलग अलग क्रॉप्स लगाए जाते हैं राइट right? किस तरह की एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की जाती है कौन से कौन से रीजन में राइट right? ये बचपन में ही पढ़ा है कभी ना कभी इन बायोलॉजी इन साइंस इन एनवाइ और मे बी इन जोग्राफी वी हैव रेड दिस चैप्टर इन नाइन्थ एंड टेंटैंड ओके सिमिलरली वेन यू कम निस ओवरऑल आई विल कॉल दिस

सिमिलरली नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंजर्वेशन चैप्टर्स आर रिलेटेड टू ए आर डी सॉइल साइंस से रिलेटेड चैप्टर्स कंजर्वेशन रिसोर्स एंड इरिगेशन मतलब इट्स नथिंग बट क्लाइमेट वॉट इज द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एग्रीकल्चर ये सारे चैप्टर्स आपने अगेन जोग्राफी के एनसीआरटीज में पढ़े हैं टेन नाइन टेंथ फिर द लास्ट ब्लॉक द सेकेंड लास्ट ब्लॉक इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट आपने ईवीएस बचपन से ही पढ़ा है

कभी ना कभी हमने प्राइमरी स्कूल में NCRT's में पढ़ा ही है, सो राइट दिस इज वेर यू है लास्ट चैप्टर इज प्रेजेंट सीनरी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीजी कवर्ड बाई कर

you should have basic understand, understanding of macro level of agricultural ecosystem in the country nothing else okay let's start with our first block of technical chapters which are branches of agriculture agronomy horticulture seed science seed production farming system organic farming precision farming etc okay all these subjects are some technical

सो डीप विच आर आस्ट फ्रॉम द एग्रीकल्चरल ग्रेजुएशन ठीक है पी एच डी करने की कोई जरूरत नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो यू हैव टू जस्ट सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड दैट लेवल ऑफ डेप्थ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिज एंसिल एक्टिविटीज ओके एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यू कैन फाइंड आउट दैट देर इज द रिपीटिंग पैटर्न विच हैजीन एस्ड इन नाबार्ड फॉर एग्जाम्पल ब्रीड्स ऑफ काउस के बारे में पूछ लेते हैं ब्रीड्स ऑफ बफेलोज के बारे में पूछ देते लैक्टेशन पूछ देते गेस्टेशन पीरियड पूछ देते ईस्टर साइकिल का पीरियड पूछ पूछ लेते ओके ओविलेशन साइकिल के रिलेटेड पूछ लेते ऐसे टर्म्स पूछ लेते हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर्स ओके प्रीवियस क्वेश्चन देख के आपको वो पैटर्न समझ में आ जाएगा सिमिलरली एग्री इंजीनियरिंग एंड फार्म मैकेशन दैट इज

ठीक है जरूरी नहीं है कि आपका एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड हो ओके नाउ इज एक्चुअली अगर किसी का एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है इफ समवन इज हैविंग एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड ही इज ग्रेजुएटेड इन एग्रीकल्चर डज ही हैज एन अपर हैंड इन ऑल दिस सब्जेक्ट्स आई विल से नो डू यू नो वाई आई विल से नो बिकॉज ऑल दिस सब्जेक्ट्स यू आर ऑल्सो इंट्रोड्यूस टू दिस सब्जेक्ट ओके सो टू ऑल द सब्जेक्ट्स इट मे बी बेसिक चैप्टर्स और इट मे बी The technical chapters in agriculture and rural development, you have been also introduced to them. You just need to complete this or maybe do these technical chapters in depth. Okay. And those sources already I have shared with you and you can analyze previous year questions also. So, when you look at the previous year questions, look at them very, very carefully. First question, look at this. When major output is expected from per unit input, focus is on factor of production. एंटरप्राइज वॉट इज दिस टर्म कॉल्ड ओके तो सिंपल सी बात है जब आप आउटपुट मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर रहे होके बाई गिविंग मिनिमम इनपुट विच इज बेस्ड ऑन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वॉट इज दिस सो द एंसर हि यू कुड सी यू कैन अंडरस्टैंड वॉट इज इंटेंसिफिकेशन इट इज नथिंग बट इंटेंसिफिकेशन इज वॉट यूजिंग मोर इनपुट

इक्रो ऑर्गेजम्स एड करने से विच आर दीज सब्सटेंसेजर्टिंग आर यूज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द साइल इनको हम बायो फर्टिलाइजर्स कहते हैं अगेन अ बेसिक क्वेश्चन देन कम्स वेरी वेरी रिपीटिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द प्रीवियस ईयर ऑफ द नाबार्ड दैट इज बॉटेनिकल ने फिर साइंटिफिक नेम

लैम मतलब क्या जो मेल यंग लैम होता है उसको रैम कहा जाता है जो फीमेल होता है इसको ईव कहा जाता है तो देखो यहां पर ऑप्शन से ही यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज एनिमल अंडरस्टैंड्री रिलेटेड नाउ रैम लैम एंड कैस्ट्रेशन व्हाट इज द पीरियड ऑफ कैस्ट्रेशन फॉर ईच स्पीशीज फॉर शीप फॉर गोट फॉर कैटल्स ये आपको डेज मालूम होने चाहिए ओके एंड दीज आर रिपीटिंग इन प्रीवियस ईयर सो हियर यू कुड सी सम इन टेक्निकल सब्जेक्ट्स यस डेप्थ इज देयर बट इफ यू रीड अबाउट दिस फ्रॉम द ओपन सोर्सेस डेफिनेटली यू कैन ऑलसो है आप डेफिनेटली एनिमल हस्बेंडरी को डेफ्थ में पढ़ते हो तो कोई पॉइंट नहीं आपका ग्रेजुएशन क्या है ग्रेजुएशन तो बस एक एक्सक्यूज है जो बहुत सारे स्टूडेंट दे रहे हैं देन कम्स चिकन इज रेज स्पेशली फॉर मीट प्रोडक्शन इज कॉल्ड ना मेजर क्वेश्चन इन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू मी आर फ्रॉम ऑब्जर्वेशन प्योर ऑब्जर्वेशन इन द सोसायटी ये देखिए क्वेश्चन नाबार्ड में पूछा गया था कि एक चिकन जो कि मीट प्रोडक्शन के लिए रेज किया जाता है वो कौन सा होता है ब्रॉयलर सबको पता है ब्रॉयलर मुर्गी जो भी हम घर को लाते हैं सो फॉर ऑल द नॉन वेजिटेरियंस आपको पता ही होगा तो अगर आपको आपने सोचा इस संडे में नॉनवेज खाऊंगा तो वो ब्रॉयलर मुर्गी का होता है राइट जो कि मीट शॉप से आपको मिलता है सिंपल सो मेजर अगर आप फोर्टी क्वेश्चन फेज वन में आते हैं आई एम डैम श्योर दैट मोर देन ट्वेंटी क्वेश्चन आर सच विच आर जनरल ऑब्जर्वेशन इन द सोसाइटी और जनरल ऑब्जर्वेशन इन एग्रीकल्चर देन अगेन सीयर बेसिक एट स्टैंडर्ड का है, देखो यहां पर अगर किसी फ्लावर में सेम फ्लावर सेम फ्लावर्स में, अगर में अगर होता है, तो उसको क्या कहते हैं क्वेश्चन राइट देन सी अगेन टेक्निकल एक क्वेश्चन ले लेतेल्ट ले लेते बचे टॉप ऑफ बनाना

Again, this is a very general information. When you are preparing for uh, the chapters such as animal husbandry, fisheries, you should take care about the important terms related to the chapters. Okay? What are different facts and statistics? Because those repeat in animal husbandry, fisheries, forestry, plantation, horticulture. Similarly, scientific names of different horticultural crops, diseases associated with them, these are also important. These are favorite topics of NABAT.

अगर एआरडी को सिलेबस में रखा है तो क्यों रखा है सो ट्राई टू अंडर एग्रीकल्चर एंड रूरल एग्रीकल्चर नहीं है समझ लो. सब्जेक्ट इज एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इट्स नॉट प्योर एग्रीकल्चर विच इज एक्सपेक्टेड टू बी इन ग्रेजुएशन दिस इज द बिगेस्ट मिथ एंड वी ओके Second thing to discuss is that simple. Whatever post you are applying for Nabad, Nabad has given you the syllabus, and Nabad has also given you for which sector for in which application you are applying. That is generalist post. you concept post apply you already pata, it is generalist, that is samanyata. These generalist jobs. ओपन फॉर ऑल द ग्रेजुएट्स ओके ये सारे ग्रेजुएट्स के लिए ओपन है आपको एग्रीकल्चर में स्पेशलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है नाबार्ड भी ये कह रहा है उसके उसके सिलेबस के थ्रू एंड नोटिफिकेशन के थ्रू ओके, देन कम्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एआरडी इज नॉट अबाउट खेती बाड़ी नीदर द प्रिपेरेशन एंड नीदर द जॉब प्रोफाइल इज गोइंग टू मेक यू फार्मर नाबार्ड डॉन्ट फार्मर

एंड देन थिंग टू डिस्कस इज दैट की सिलेबस देखो नोटिफिकेशन देखो जब आप अप्लाई कर रहे हो नाबार्ड ग्रेड ए ट्वेंटी ट्वेंटी फॉर ऑल ग्रेजुएट यू मे बी अर्ट स्टूडेंट यू मे बी अ कॉमर्स स्टूडेंट यू मे बी अस स्टूडेंट यू मे बी एग्री बैकग्राउंड और यू मे बी एन इंजीनियर इट डजेंट रियली मैटर कोई भी ग्रेजुएशन चलेगा चलेगा क्या दौड़ेगा भी ओके एंड देन कम्स

and if you analyze the previous year question then you will definitely understand that nabad asks the questions all the questions are framed in such a way that they are not asked from the angle of the graduation of agriculture as a subject okay it asks only the those questions from those chapters given by the nabad in context of agriculture and rural development विच आर इसेंशियली अंडर फॉर अंडरस्टैंडिंग दी मैक्रो एस्पेक्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ओके ये समझ लो पहले तो सबसे बड़ी गलत फहमी ये है कि एग्री बैकग्राउंड स्टूडेंट को एडवांटेज है ऐसी कोई भी चीज है नहींग विन द स्टूडेंट एंड मोर इंपॉर्टेंटली आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इनसिक्योरिटी सो टूडे वी ऑल हैव अंडरस्टैंड वी हैव एनालाइज वेरी very very important issue that how a non agri background स्टूडेंट he can segregate एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट सिलेबस इंटू बेसिकर्स एंड टेक्निकल एंडल्टर एट सीथ बस्टेड इज दल आइडिया अबाउट एग्रीकल्चर इज इनफ टू क्लियर दी नाबार्ड एग्जाम ओके आपको बस एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम जो की देश की है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही आपको इनफ है ट टू प्रिपेयर इफ यू आर नॉट हैविंग ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर देन डेफिनेटली यू डोंट नीड टू फियर फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट डिवाइडर्स एंड टेक्निकल चैप्टर्स कवर वन बेसिक चैप्टर्स इन मॉर्निंग एंड एट द सेम टाइम इन इवनिंग कवर अ टेक्निकल चैप्टर फॉर एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप सुबह कर लो और शाम को आप एनिमल हजबेंड्री कर लो फिर ऐसे दो तीन दिन करने के बाद सॉयल साइंस को कर लिया सुबह उसके बाद फिशरीज को शाम को करो इन दिस वे पेयर योर बेसिक चैप्टर्स दैट इज सिंपल चैप्टर्स विथ डिफिकल्ट चैप्टर्स मॉर्निंग एंड इवनिंग इन दिस वे इवन अ नॉर्मल ग्रेजुएट स्टूडेंट कैन क्लियर नाबार्ड एग्जाम एंड ही इज नो मोर स्के आर डी सब्जेक्ट सो धिस वॉज ऑल आई होप ऑल दॉन एग्री बैकग्राउंड स्टूडेंट धिस इज हाउ यू कैन डिसमेंटल ए आर डी एज अ सब्जेक्ट एंड क्लियर नाबार्ड थैंक यू